अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ आप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। सदा खुश रहे, शाद रहे और आबाद रहे। आज मैंने बनाया है पेशावरी पुलाव। देखिए कितना प्यारा और कितना मजेदार बना है, तो आपने जरूर बनाना है और आगे जाके देखिए रेसिपी। मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अब जाके आगे देखिए रेसिपी। ये ईद का गोश्त है, मैंने 4 से 5 मरतबा ना इसका पानी चेंज किया। ये देखिए आपको व्हाइट बोटिंगे नजर आ रही हैं, क्योंकि पानी खून निकल जाएगा ना तो आपका जो गोश्त है ना वो हेल्दी हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम भी कोई नहीं होगी। अब हम इसका यखनी बना लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। इसके साथ जाएंगे ये बड़े 3 टमाटर, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 बड़ी प्याज, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ब्लैक और व्हाइट जीरा, दोनों जीरे मैंने मिक्स करने हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया ले लिया, आधी टेबल स्पून मैंने सौंफ ले लिया है, बाकी मिक्स मसाला है ये डाल दूंगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। और साथ ये मिक्स मसाला है, बड़ी इलायची है, दूसरी चीज है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाह रहमान रहीम। हमने थोड़ी यखनी बनानी है क्योंकि अपने गोश्त के अपने चावलों के हिसाब से आपने बनानी है। मेरे किलो सवा किलो चावल घर के चावल है, मुझे पता नहीं लगता कितने हैं, पर मुझे पता है मेरे किलो नहीं तो सवा या 1.5 किलो चावल है, तो मैं उसके लिए इतनी यखनी बना रही हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूंगी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया, 2 टीस्पून मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तेज हो ना लाइट हो, अभी ये तेज है, अभी ये जब सीढ़ी चलती है तो फिर मैं इसे कम कर दूंगी। अब ये देखें, ये मैंने साथ ही काबली चने रखे हुए हैं, आपने भी ऐसा ही करना है। अच्छा काबली चने जरा देर से होते हैं, ये देखें मैंने डाल दिए हैं, मेरे 1 पाव काबली चने थे जो मैंने रात को भिगो दिए थे। अब नमक डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिए हैं। जब ये दोनों चीजें तैयार होती हैं तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ जी। अब हम आए हैं 30 मिनट बाद। अब मैंने चावल उबाइल कर लेने हैं, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखिए जी पानी उबल रहा था, मैंने अब इसमें चावल मिक्स कर दिए हैं। चावल मेरे सैला नहीं है, मेरे कायनात चावल है जो मैंने लिए, क्योंकि मेरे घर में कायनात ही होते हैं, और मैंने ये, आप सैला भी चाहें तो वो भी ले सकते हैं। नमक ऐड कर दूंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखे नहीं, हमारा गोश्त उबल गया और यखनी तैयार हो गई है। अब हम इस गोश्त को निकाल लेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखें ये मेरी यखनी है, मेरे गोश्त की यखनी है ये, तो इसे मैं स्टेन कर लूंगी। तो ये जो गोश्त है ना, इसे ना हमें हड्डियों से अलहदा करना है, कि चावलों में ना हड्डियां नहीं आनी चाहिए। अब हम इसे अलहदा कर लेंगे, तब तक हमारे चावल उबाइल हो रहे हैं। पुलाव को असेंबल करेंगे, पेशावरी पुलाव को, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये जो नली से निकला था ना मिक, वो मैंने निकाल ली है। अब हम सबसे पहले डाल देंगे गोश्त को, मनक्का डालेंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अब हमने इसमें काबली चने उबाइल जो किए थे वो डाल देने हैं। अब फिर हम इसके ऊपर मनक्का डालेंगे, अब हमने जो चावल उबाइल किए हैं वो डाल देंगे, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपने उसी टाइम उबाइल करने, उसी टाइम डाल देना, फिर सही रहते हैं। अब हमने 1 टीस्पून गर्म मसाला डाल देना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक टीस्पून जीरा ऐड कर देना है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आधी टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देख लिए मैंने स्टेन कर ली है जो यखनी थी।
तो जिसकी भाप बनेगी ना उससे ये चावल पक जाएंगे। अब हम इसे दम लगा देंगे। इसे मीडियम फ्लेम पे रखना है, ना कम हो और ना इतनी ज्यादा हो, इतनी यहाँ नहीं आना चाहिए। इसके नीचे नीचे सारे ना इसकी आंच होनी चाहिए गैस की। बाद में हम फ्लेम जब मैं लो करूंगी मैं आपको बताऊंगी, 10 मिनट के बाद मैं इसकी फ्लेम लो कर दूंगी। अब हम जितना हमें पता ना हमारे चावलों के इतना ऑयल चाहिए हम उतना ऑयल गर्म कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पास ही रहना है, अब ये जब फुल गर्म हो जाएगा तेज तो हमने अपने चावलों के ऊपर डालना है। ये देखिए जी ये ऑयल बिल्कुल गर्म हो गया है। अब मैं आपको पता है चावलों में से भी कितना ज्यादा भाप निकली। अब हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे। फिर हम इसे दम पे लगा देना है। दम कंप्लीट हो गया, मैं इसे उतारूंगी। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। प्लीज में सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए जी पेशावरी पुलाव बिल्कुल रेडी हो गया है। माशाल्लाह देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितना प्यारा और कितना मजेदार लग रहा है। तो अभी तक आपने मुझे अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज में सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर किया करें। और अब मैं आपसे चाहूंगी इजाजत, अल्लाह हाफिज़।